गाइस कैसे हो, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। गाइस चलिए चलते हैं हम न्यूज की तरफ। तो गाइस आज का न्यूज है गाइस सौरभ जोशी के बारे में। तो गाइस सौरभ जोशी को लेकर काफी सारे ट्रोल रोस्ट और काफी सारे एलिगेशन लगते रहते, काफी सारे वीडियो लोग बनाते रहते। तो गाइस ऐसे में सौरभ जोशी एक वीडियो के माध्यम से क्या कर रहे थे कि ऐसे में मुझे भी दुख लगता है, ऐसा वीडियो आप लोग नहीं बनाओ, वो आप वीडियो देख लो गाइस साइड में। ऐसे मत किया करो गाइस नेगेटिव वाले, क्योंकि यार मुझे भी बुरा लगता है यार, मैं भी इंसान हूँ यार, कुछ व्यूज मिल जाते हैं लेकिन सामने वाले पे क्या बीतती है ना, वो समझा करो प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक है निक जोन के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि निक जोन जो है प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड है। तो उनका हाल ही में एक पॉडकास्ट आउट हुआ था जिसमें वो मतलब पापाराजी, इंडियन पापाराजी से वो मतलब पॉडकास्ट में नहीं आए थे, तो उनसे मतलब कॉल पे बात हो रही थी भाई। तो वो कॉल पे डायरेक्ट निक जोन को बोल देते निक हुआ ऐसे में। तो गाइस ऐसे में निक जोन का क्या रिएक्शन था वीडियो में साइड में देख सकते हैं। Now when you were there, did you hear this? Yeah, Nikwa. Nick Jonas is like, "Oh, Nikwa." Yes, I did hear that. नेक्स्ट टॉपिक है UK07 राइटर के बारे में। तो गाइस वो हाल ही में मतलब उनका बहुत बड़ा एक सपना पूरा हुआ है। तो गाइस वो सपना ये है कि वो सनी लियोनी से मिले थे, बिकॉज उनका सनी लियोनी जो है ना मतलब उनको वो क्रश मानते हैं, UK07 सनी लियोनी को क्रश मानते हैं। तो गाइस ऐसे में वो उन्होंने पोस्ट डाला था स्टोरी में, तो गाइस वो वीडियो साइड में आप देख सकते हो गाइस। और उससे भी बड़ी बात ये है कि गाइस सनी लियोनी और उनके जो हस्बैंड है वो उनको जानते थे। तो ये गाइस इसमें बहुत बड़ी मतलब अच्छा लगता है कि कोई आदमी मुझे जाने, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो मुझे जाने और वो मेरी क्रश हो, मतलब लेट्स फॉर एग्जांपल। तो गाइस ऐसे में बहुत बड़ी बात होती है गाइस। ऐसे में क्या लाइक क्या रहा है आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना गाइस। तो ये गाइस नेक्स्ट टॉपिक है प्रो राइडर 1000 के बारे में। तो गाइस हाल ही में उनके पापा एक हेलमेट का अनबॉक्सिंग करते हुए नजर आ रहे थे एक वीडियो में। तो गाइस ऐसे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अपने लड़के को मरे हुए मतलब 10 दिन भी ठीक से नहीं हुए और उनके पापा को पड़ी है मतलब अपने वीडियोज पे वीडियोज बनाना, रिव्यू देना। ऐसे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कम से कम 10 दिन तो रुक जाना चाहिए, जैसा कि आप कमेंट साइड में देख सकते हो गाइस। तो गाइस ऐसे में आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में मतलब 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है। तो गाइस ऐसे में RBI की बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, मतलब खबर आ रही है कि जो 2000 के नोट है अब इशू नहीं किए जाएंगे बैंक की तरफ से। और गाइस RBI की तरफ से ये भी मतलब खबर आ रही है कि 30 सितंबर से पहले उस मतलब जो भी मतलब 2000 के गुलाबी वगैरह नोट है उसको एक्सचेंज कर लेना है गाइस। और गाइस ऐसे में आप लोग क्या रहे हैं, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ, इसके बारे में कॉमेंट करके जरूर बताना। सो हे गाइस नेक्स्ट टॉपिक है फ्लाइंग बिट्स के बारे में। तो गाइस ऐसे में मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं कि मतलब फ्लाइंग बिट्स के जितने भी फैंस हैं वो पूछ रहे हैं कि MS धोनी जो प्रोजेक्ट उनका था आने वाला उसका क्या हुआ। तो गाइस ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। तो गाइस फ्लाइंग बिट्स जो एक वीडियो के माध्यम से एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर, उस वीडियो में वो क्या बोल रहे थे वो देख सकते हो गाइस। एक चीज मैं शेयर करना चाह रहा था, पापा आपको बताऊंगा, तो भी सुनियो। मैं रांची में था, देश का धोनी शूट कर रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा कब आएगा वो, तो एक वो बढ़िया से वेल प्रोड्यूस कंटेंट है जो कि हम बाद में करेंगे, उसमें बहुत काम अभी पोस्ट प्रोडक्शन का बाकी है। लेकिन एक चीज़ मैं अभी शेयर नहीं कर रहा कि हमने रांची में क्या किया, फाइनली हमने चेन्नई में क्या किया, वो तो मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि वो फाइनल जब आएगा काम तो आप देखना आप। लेकिन एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, रांची में जो हुआ तो माए भाई के स्कूल गए थे, तो उनके टीचर से बात की, तो ऐसे पूछते मैम उनके बारे में कुछ बताइए जो उस टाइम के टीचर थे। यार एक चीज़ सुन के मैं दंग सा रह गया, एक मैच में जाके 200 नॉट आउट मार के आ गया ओपनिंग करते हुए। कितना सेवेंथ में था वो, मतलब 8th 9th 9th में था, 200 नॉट आउट का। हाँ भैया तो नाम रोशन करेगा स्कूल का नहीं पूरा रांची का, तो आगे करो कहते। लेकिन उस समय भी उसके जो फ्रेंड थे बाकी उसका मजाक उड़ाते थे कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तू तो खेल कूद रहा है तेरा कुछ नहीं होगा, कि 200 रन मारने से कुछ नहीं होता, फेल हो जाएगा 10th में तो कहीं नौकरी नहीं कुछ नहीं होगा कहता। लेकिन उसकी एक क्वालिटी थी, बोल रहा कैप्टन कूल कहता, वो किसी पर गुस्सा नहीं करता था उसमें भी, आज तक उसने किसी बच्चे से उस बात पर लड़ाई नहीं की होगी। जो बोल रहा है, जो नेगेटिव बोल रहा है बोलने दो, मेरा काम तो क्रिकेट खेलना है, मैं क्रिकेट ही खेलूँगा। तो यार मुझे वो चीज़ उससे सीख मिली कि दुनिया जो कह रही है कहने दो, आपको अगर अपनी एबिलिटी पर विश्वास तो अपने आप को बैक करो और उसमें जी जान लगा दो, दुनिया को जो कह रही है। नेक्स्ट टॉपिक LVC यादव के बारे में। तो गाइस LVC यादव का एक सॉन्ग आने वाला है सिस्टम, वो कि 24 मई को रिलीज होने वाला है 11 बजे। अगर गाइस आप LVC यादव के फैन हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि कितना एक्साइटेड है उनका गाना सुनने के लिए। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है सोनू को लेकर। तो गाइस सोनू को मतलब सोनू की तरफ से बहुत बड़ी एक न्यूज आ रही है। तो गाइस ऐसे में आप लोगों को पता होगा कि कौन सा सोनू, तो वही वायरल सोनू जो कि कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, वायरल सोनू मतलब कि बिहार से वो मतलब मुख्यमंत्री से मिला, वो वाला सोनू जैसा कि फोटो साइड में देख सकते हो गाइस। वो मतलब मनीष कश्यप को लेकर क्या रिएक्ट किया, उनके बारे में कुछ सब बोल रहा था, उस टाइम में आप वीडियो में देख सकते हो गाइस। यूट्यूब पे मनीष कश्यप थे, अभी जेल में NSA लगा है, कैसे देखते हैं? मेरा प्रचार करने से थोड़ी ना, मैं प्रचार कभी करता ही नहीं किसी का। उनको जो है क्या बोलता है हिरासत में लिया गया आफ्टर अगस्त
जो भी वीडियो जाता था, कोई लोग बोलते हैं एलन का, एलन जो है प्रचार कर रहा है, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई एलन को प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एलन को प्रचार करने की कौन सा ज़रूरत है, पूरा देश विदेश जो है इंटरनेशनल लेवल पर वो चल गए। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना गाइस, ताकि लोगों को तक इन्फॉर्मेशन जा सके। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।